हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत फेंगशुई का जेट प्लांट। बहुत ही लकी प्लांट होता है हमारे घर के लिए, और ये अभी जो बरसात का टाइम चल रहा है ये बहुत ही अच्छा टाइम है इसको, बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी करने का। तो उसी के बारे में मैं आगे चल के आपको डिटेल्स बताऊँगी कि बरसात में क्या क्या ज़रूरी काम हमने इसमें करने हैं, जिससे कि हमारा जो जेट प्लांट है काफ़ी हेल्दी रहे, अच्छा रहे। और इसको कैसे ग्रो करते हैं आसानी से, कैसे इसकी पॉटिंग सॉइल तैयार करनी है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे दूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने ये प्लांट अपने घर में लगाया हुआ है तो इसे अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिनी तरफ आप रखिए। वास्तु के हिसाब से ये दिशा इसके लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अभी बरसात का टाइम है, तो इस समय आपको क्या करना है कि इसमें जो हमारा जेट प्लांट है उसमें नई नई कलियां सी आई रहती हैं, तो इसे हमें सब कट कर देना है ताकि जो प्लांट हमारा है वो बुशी सा बने और इसकी ग्रोथ और अच्छी हो। क्योंकि एक कटिंग हम करते हैं तो उसके बदले 3-4 कटिंग्स वहाँ पर निकलती हैं, तो उससे हमारा प्लांट घना हो जाता है इस तरीके से। ये देखिए, तो इस तरीके से हम सबसे पहला काम तो हमने ये कर लेना है। इसमें चाहे छोटे से छोटे प्लांट आपका लगा हो या थोड़ा बड़ा हो, ये मेरा मदर प्लांट है, काफ़ी बड़ा है। और जो ये भी कटिंग्स से मेरे ये निकले हुए हैं इसके एक्स्ट्रा, ये इसको फेंकना नहीं है, इसको हमने चाहे छोटी से छोटी कटिंग्स हो ये सब लगा देनी है। अभी जो बरसात का टाइम है इसमें बहुत फास्ट ग्रोथ इसकी रहती है, वैसे तो साल भर में आप इसको कभी भी लगाइए इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ये आसानी से लग जाता है। लेकिन जो अभी बरसात का टाइम है इसमें इसकी ग्रोथ सबसे फास्ट रहती है, तो बहुत जल्दी हमारा नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। और कटिंग्स आपको हमेशा सिंपल सॉइल में ही लगाना है, जिसमें आपको 50% गार्डन सॉइल आप ले सकते हैं, 50% आप रिवर सैंड लगा ले सकते हैं। आप चाहे तो इसे सिंपल रिवर सैंड में भी आप इसे लगा सकते हैं, बहुत फास्ट ग्रोथ होती है इसकी, क्योंकि सैंड में ही बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो इस तरीके से कटिंग्स लगाइए और छोटे छोटे बोंजाई बनाइए, चाहे टोपियरी बनाइए जिसका बहुत चलन है आजकल। ये देखिए मेरी कुछ कटिंग्स से बहुत जल्दी फास्ट ग्रोथ इसकी हुई है, इस तरीके से इसके रूट्स निकली हुई हैं। ये एक प्लांट से आप कई हज़ारों प्लांट आप इसके बनाइए, आप लगाते लगाते थक जाएंगे, लेकिन ये प्लांट जो है ये जितना आप कटिंग से इसे ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा ये फैलते रहता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी बरसात का टाइम चल रहा है, तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आपने इसे डायरेक्ट बाहर खुले बारिश में रखा हुआ है तो वहाँ से आप इसे तुरंत हटा दें। इसे आप सेमी शेड में रखिए जहाँ पर बारिश का पानी ज़्यादा नहीं गिरता हो, क्योंकि ये प्लांट जो होता है बहुत कम पानी में ग्रो होने वाला प्लांट है। तो इससे ज़्यादा पानी में ये इसके लीव्स पूरी गिर जाती है, प्लांट हमारा पूरा ख़राब हो जाता है। क्योंकि ये सकलेंट्स प्रजाति का प्लांट है तो इसके लीव्स में काफ़ी पानी भरा रहता है, तो इसे ज़्यादा पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये एक रेगिस्तानी पौधा है। तो इस बात का आपको सबसे ख़ास ध्यान रखना है। और दूसरा, जो सबसे इसका जो ड्रेनेज होल है, वो ड्रेनेज होल भी आपको बीच बीच में चेक करते रहना है। एक्स्ट्रा पानी इस प्लांटर पे हमारा बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी बात है इस प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के। क्योंकि मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमारा जेट प्लांट ख़राब हो जाता है तो हम कैसे उसकी देखभाल करें, तो ये काफ़ी छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर हम इनको अपनाएँ तो हमारा प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये दोनों में देखिए कितना फ़र्क है। दूसरा क्या है कि अभी आपको जब इसको रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट का भी काफ़ी अच्छा टाइम है ये बरसात का टाइम। ये मेरे इसमें लीव्स कम निकली हैं, कम आ रही हैं इस प्लांट पे, तो इसकी कमी मैं आपको दिखाती हूँ। और नीचे आपको जो इसका ड्रेनेज होल है वो भी बीच बीच में चेक करते रहना है, क्योंकि पानी हमें जैसे हम प्लांटर पर पानी देते तुरंत ही ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, और इसके लिए हमें बीच बीच में से चेक भी करते रहना है।
जैसा कि अभी बरसात का टाइम चल रहा है तो इसको रिपोर्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे जो प्लांट हमारे सॉफ्ट नहीं रहते हैं तो बहुत जल्दी इनकी रूट्स फैलती हैं, तो ये नई मिट्टी को आसानी से पकड़ लेते हैं। तो इसे हमें जब हम इसको रिपोर्ट करेंगे तो नीचे से इसे पहले हमें पुश करके निकालना है, हल्के से, जड़ें नहीं खींचनी है। जड़ें हमारी डैमेज हो जाएंगी तो प्लांट को हमारा नुकसान होगा, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। ये देखिए, इसने पूरा डब्बे का ही शेप ले लिया है। ये मेरे किचन वेस्ट कंटेनर था तो उसी में मैंने इसे कटिंग से ग्रो करा हुआ था। और ये देखिए नीचे मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी सी हो रही है। तो ये इसकी सबसे ख़ास बात है, इसके पॉटिंग सॉइल का, इसका हमें खास ध्यान रखना है। पानी हमेशा ऐसे ही नहीं रुकना चाहिए, तो मिट्टी ऐसी भुरभुरी सी होनी चाहिए। और दूसरा, जब हम पॉटिंग सॉइल में से लगा रहे हैं तो उसको हमें आसानी से, इतनी ही लाइट सॉइल हमें इसकी बनानी है जो आपको सामने दिख रही है। और ये प्लांट से तुरंत ही हट गई है सारी सॉइल, और ऐसे सॉइल प्लांट लाइक करता है, यही इसका सबसे बेस्ट जो अच्छी ग्रोथ है उसी का सीक्रेट है इसका। और ये देखिए नीचे कितनी सारी रूट्स, इसके एक्स्ट्रा पूरा जाल लगा हुआ है जिससे कि हमारे प्लांट की पूरी ग्रोथ ही रुक गई हुई थी। क्योंकि इस प्लांट पर आप देखिए लीव्स बहुत कम हो रही हैं, धीरे धीरे अगर मैं इसको नहीं करती तो ऐसे प्लांट हमारा ख़राब हो जाता धीरे धीरे। तो मैं जो इसका पूरा जाल लगा हुआ है इसे मैं हटा दूँगी। और ये काम हम सिर्फ बरसात में ही कर सकते हैं, क्योंकि और समय हमारे प्लांट को थोड़ा नुकसान होने का डर रहता है। क्योंकि अभी तुरंत ही इसके नए रूट्स आएंगे तो ये आसानी से ग्रो कर लेगा। ये देखिए इसके जो एक्स्ट्रा जितने भी जाल इस पर लगा हुआ था वो मैंने सब हटा दिया है, और प्लांट का हमारा फिर से फ्रेश प्लांट बन गया है। तो जो इसकी पॉटिंग सॉइल है, इस पॉटिंग सॉइल को मैं फेंकूंगी नहीं, इसी जो मिट्टी है इसकी, इसी को मैं थोड़ा सा नया बनाऊंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा इसमें। ये देखिए इसकी सॉइल हमारी कभी भी ख़राब नहीं होती है, कुछ उसकी जो उर्वरता ख़त्म हो जाती है उसे हमें दोबारा इसको रिचार्ज करना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कि पुरानी मिट्टी को कैसा नया बनाएं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगी। इसमें मैं थोड़ा NPK, थोड़ा एक मुट्ठी गोबर की खाद, एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट मैं मिला दे रही हूँ, जिससे कि हमारी जो सॉइल है वो एकदम रिफ़्रेश हो जाएगी और प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो करेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप अपने और प्लांट्स के भी जो प्लांटर्स में, जिनमें प्लांट्स में ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, तो उनको भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये जो बरसात का टाइम होता है ये सबसे बेस्ट टाइम होता है आपके प्लांट्स को रिपोर्ट करने का, क्योंकि हमें अपने प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी रखनी है तो बीच बीच में हमें ये काम ज़रूर करते रहना है, साल में एक बार करना है। और ये जो टाइम है, इस टाइम पे जो हमने मई जून में उधर बहुत तेज़ गर्मी में अपने प्लांट्स को खाद देना बंद किया हुआ था, तो हम इसे बरसात के सीज़न से फिर से स्टार्ट कर सकते हैं उधर नवम्बर तक। दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड रहती है तो उस समय हमें फिर से रोक देना है। चाहे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, चाहे आप सॉलिड फर्टिलाइज़र दें, आप घर पे ऑर्गेनिक तरीके से कैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं, वो दो तीन प्रकार के मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, जिनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। और अगर हम इस छोटे छोटे तरीकों को अपनाएँ तो हम अपने गार्डन को हमेशा हेल्दी और हरा भरा रख सकते हैं। और एक जो सबसे ज़रूरी बात है, अभी जब से हमने जो प्लांट रिपोर्ट करे हुए हैं तो इनको अपने कम से कम एक महीने तक कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं देना है, एक से डेढ़ महीने तक, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे अपने पर्सनल अनुभव जो मैं हमेशा अपने गार्डन में यूज़ करती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, आपके ज़रूर काम की रही होगी। तो मिलते हैं जल्दी ही एक नए ब्लॉग में, नए प्लांट की नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ध्यान। Thanks for watching. Happy gardening. Fearless.
We'll be right back.